यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातित्रिण्यम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु। शम्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र है। मंत्र पर विचार करें, मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना करी गई है कि हमारे जो क्षुद्र हैं, दोष हैं, न्यूनताएं हैं, एक बाहरी न्यूनता है और एक अंतःकरण की न्यूनता है, हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, हम चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, दूर हो जाए। हमारी आंख के छिद्र अनुचित देखना रूप जो दोष है, हृदय के छिद्र यानी उनसे संबंधित संस्कार और मन के जो छिद्र तत्संबंधी अज्ञान है, जिनके कारण एकाग्रता नहीं बन पा रही है, बहिर्मुखता हो जाती है, हे प्रभु आप इनको नष्ट करके उचित दर्शन, स्मरण और निर्णय करने के गुणों से हमें भर दीजिए। कमियां, दोष देखने का जो भाव है वो कल्याणकारी है या नहीं है, विचार करें। शास्त्र में कहा कि हे परमात्मा, मेरे जो क्षुद्र हैं, जो दोष हैं, जो न्यूनताएं हैं, मन की जो ओछापन है, उसको आप दूर कर दीजिए। परमात्मा से प्रार्थना कर ली, पर पुरुषार्थ कौन करेगा? बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना तो सफल होती नहीं है। तो जो दोष दर्शन है उसको ठीक करना पड़ेगा। जब आप दोषों को देखोगे तो आप दोषों जैसे बन जाओगे, ऐसी संभावनाएं प्रबल रहती हैं। इसलिए दोष कहां देखें और कहां पर दोष नहीं देखें, इस पर विचार करें। किस किस के किस प्रकार से दोष देखने हैं और किस किस के किस प्रकार से दोष नहीं देखने हैं। संसार में सुख है या दुख है? दुख। दुख किसके लिए है? योगी के लिए, भोगी के लिए? योगी के लिए। गृहस्थ में सुख है या दुख है? किसके लिए सुख है? गृहस्थी के लिए। योगी के लिए क्या है? दुख है। तो विचार करें कि आप कौन हैं? आप योगी श्रेणी में हैं या भोगी श्रेणी में? आप एक ही लठ से दोनों को हांक नहीं सकते। जो योगी है, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, वो तिल मात्र भी दुख सहन नहीं कर सकता। थोड़ा सा भी दोष वो सहन नहीं कर सकता। वो पाप से, अधर्म से, अन्याय से क्या करेगा? द्वेष ही करेगा, दूर ही रहेगा, उसमें वो दोष ही देखेगा। वो बिल्कुल भी सामंजस्य करना नहीं चाहेगा। कौन? योगी। क्योंकि वो किसे चाहता है? परमात्मा को चाहता है। उसका लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना उसका लक्ष्य है। तो बताओ, इस प्रकार का दोष दर्शन उसके लिए साधक हुआ या बाधक हुआ? साधक हुआ। तो योगी की दृष्टि में गृहस्थी में क्या है? दुख। योगी की दृष्टि में संसार में क्या है? दुख। लेकिन गृहस्थी की दृष्टि में, अगर गृहस्थी गृहस्थ में दुख देखे तो बताओ वो गृहस्थ में रह पाएगा क्या? जिसके सांसारिक संस्कार हैं, भोग के संस्कार हैं, और वो हर व्यक्ति में दोष देखता रहे तो क्या वो वहां सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। यानी फिर उसे वहां पर क्या करना पड़ेगा? दोष नहीं देखने होंगे। डिपेंड करता है कि आप कौन हैं और आपका
काम क्या है? आप सकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, सत्वगुणी प्रधान हैं, स्वच्छता चाहते हैं, तो आप कहां दोष देखोगे? नकारात्मकता में, अस्वच्छता में, प्रदूषण में आप दोष देखोगे। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं चाहते, बिल्कुल भी 1% भी आप वो दोष, वो न्यूनताएं, वो कमियां नहीं चाहते। आप बराबर सत्वगुण से ही ओतप्रोत रहना चाहते हैं, आप उस औरे में जाना नहीं चाहते। दूसरा एक व्यक्ति है जो मलेच्छ है, वो झोपड़पट्टी में रह रहा है, नाली के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे वो रह रहा है, और आप बहुत बड़े मकान में रहते हैं, दुकान में रहते हैं, भवनों में रहते हैं। आपकी दृष्टि जब उस पर पड़ती है तो आप नाक सिकोड़ते हो। क्यों? आप बेहतर स्थान में रह रहे हैं, इसलिए वहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है? कमी, न्यूनता, दोष, त्रुटि आपको वहां दिखाई दे रही है। लेकिन कभी उनसे जाकर के पूछो जो उस नाले के किनारे पर रह रहे हैं, रेल की पटरी के किनारे पर रह रहे हैं, उनसे तो पूछ के देखो, उनको वहां दोष, न्यूनता, कमी दिखाई नहीं दे रही। तो क्या दोष ना देखें? दोष तो देखने हैं ना। कैसे देखने हैं? दोष दर्शन विधि बताता हूं। दोष दर्शन विधि को समझो, इधर उधर ध्यान मत दो। यदि कोई व्यक्ति परोपकार का कार्य कर रहा है, समाज सेवा का कार्य कर रहा है, धर्म उत्थान का कार्य कर रहा है, राष्ट्रीय यज्ञ कर रहा है, परमात्मा की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहा है, उसमें कुछ कमी होंगी या नहीं होंगी? होंगी। यदि वो निर्दोष हो जाए तो भगवान हो जाए, उसकी मुक्ति ना हो जाए? समझ में आ रहा है? जो गलती करे वो इंसान, जो गलती ना करे वो भगवान, जो गलती करके गलती सुधारे वो महान, और जो गलती करके गलती ना माने वो शैतान। इंसान गलतियों का पुतला है। तो ध्यान दीजिए, जो परोपकारी है, पुरुषार्थी है, धर्मात्मा है, विवेकी है, साधक है, समाज सेवक है, अच्छा राजनेता है, अच्छा संचालक है, अच्छा प्रबंधक है, उसके अंदर कुछ बहुत गुण होंगे तभी तो वो अच्छे पद पर है। पर क्या वो सर्वांश में निर्दोष होगा? नहीं होगा ना। उसमें कुछ ना कुछ दोष, कुछ ना कुछ न्यूनताएं, कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ त्रुटि तो होंगी ही। आपका लक्ष्य क्या है? उसकी कमियों को देखना या उसके गुण को देखना? गुण को देखना। यदि आप गुण को देखोगे तो आपका क्या होगा? आप पर क्या प्रतिक्रिया पड़ेगी, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझिए। आप तन से और धन से तो उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे ना। मान लीजिए कोई समाज सेवा का कार्य कर रहा है, परोपकार का कार्य कर रहा है, राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, गुरुकुल का संचालन कर रहा है, अच्छी अच्छी समाज सेवी संस्थाओं का संचालन कर रहा है, उद्देश्य उसका बहुत बढ़िया है, लेकिन आप तन से और धन से उसके सहयोगी नहीं हो पा रहे, क्योंकि ना तो आपके पास समय है तो आप तन से सहयोग दे पा रहे हैं, ना ही आपके पास उतना धन है कि आप धन से सहयोग दे पा रहे हैं। आपके पास ले दे करके क्या बचा? मन। तो मन से शुभ प्रेरणाएं, शुभ आशीष, शुभ कामनाएं, ये आपके हिस्से में है, हा या ना है? आप इससे वंचित हो जाओगे यदि आपने बुराई शुरू कर दी। ये आहुति आपकी हो सकती थी कि आप क्या बोलते, भगवान इसका भला करे, भगवान इसके कार्य को निर्विघ्न सफल बनाए। ये अच्छा कर्म है, मानसिक अच्छा विचार करना और प्रसन्न होना, हर्षित होना। अच्छा कार्य कर रहा है तो आप हर्षित होंगे, तो आपका पुण्य बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। आपकी एक आहुति उसमें गई या नहीं गई? गई। दूसरा, आपको उससे प्रेरणा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। और आप उसके कौन बन जाओगे? मित्र। मित्र यही करता है कि क्या करेगा, वो जो श्रेष्ठ मित्र है उसका अनुसरण करेगा,
उसको शुभ प्रेरणाएं देगा, उसके कार्य का उसके मनोरथ की सिद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेगा। यही तो मित्र का धर्म है। पर यह सब किससे होगा? मन से। यन्मे छिद्रम मनसा, मेरे मन में जो छिद्र है उन छिद्रों को, उन कमियों को, उन त्रुटियों को परमात्मा दूर करे। तो प्रार्थना करने से नहीं होगा, हमको यह करना पड़ेगा कि जो जो अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हम मानसिक रूप से सपोर्ट करें। पुण्य बन गया। अब ठीक इसके विपरीत, वक्ता तो अच्छा है, ठीक है, पर हिंदी पर पकड़ नहीं है। वक्ता तो अच्छा है पर व्याकरण नहीं जानता। वक्ता तो अच्छा है पर भोजन के प्रति लालसा है। वक्ता तो अच्छा है पर दक्षिणा के प्रति लालसा है। वक्ता तो अच्छा है पर ये, पर वो, ये भाव क्या था? क्या तुम वक्ता थे? नहीं थे। क्या तुम ऐसा बोल पाते? नहीं बोल पाते। क्या तुम ऐसी प्रेरणा कर पाते? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते ना, तुम वैसा नहीं कर पाते। लेकिन तुम वहां से बैठ करके क्या देख रहे हो? सुअर बन रहे। सुअर, सुअर क्या करेगा? वो गंदगी में बैठेगा। कभी सुअर आपने देखा होगा फाइव स्टार में रहते हुए, अच्छे बेड पर रहते हुए, अच्छे पार्क में घूमते हुए? सुअर कभी नहीं मिलेगा। सुअर कहां बैठेगा? गंदगी में बैठेगा। तो जिनकी बुद्धि में दोष है, जिनके मन के जो संस्कार हैं वो दोष वाले ही हैं, वो क्या देखेंगे? दोष। यानी वो कौन है? सुअर है। वो गंदगी देखेंगे कि इसमें गंदा क्या है बस, और वहां पर जाकर के बैठ जाएंगे, वहां छाती पीटेंगे, वो तो सब ठीक है पर ये व्यक्ति तो ऐसा है। व्यक्ति अपना समय निकालता है, समाज सेवा करता है, लोगों की सहायता करता है, दीनों की, विकलांगों की, अपाहिजों की सहायता करता है, जो वृद्ध माताएं होती हैं उनको पेंशन दिलाने का कार्य करता है, उनके राशन कार्ड बनवाता है, उनके कुछ काम करा देता है, कुछ गर्भिणी स्त्रियां होती हैं उनकी कुछ सहायता कर देता है, कुछ हॉस्पिटल में जाकर के कुछ सहायता कर देता है, और लोगों की सेवा में तत्पर खड़ा रहता है, लेकिन पेट में दर्द होगा। नेता बनना है इसको। जो सुअर बुद्धि का होगा वो क्या सोचेगा? चुनाव लड़ना है इसे, इसे नेता बनना है, इसे दिखाना है कि हम कौन हैं। अथवा फ्री में थोड़ी करता होगा, इसका एनजीओ चलता होगा और एनजीओ से कमाता होगा। कौन देख रहा है? सुअर बुद्धि का। वो क्या करेगा? वो कहां बैठेगा? गंदगी में। अब यदि कोई प्रशंसा करे अच्छे स्थान की, अच्छे व्यक्ति की, अच्छे गुणों की, तो इसके पेट में जलन होगी, ये पीट करके बैठ जाएगा, क्योंकि ये ना तो अच्छी चीज देख सकता, ना अच्छा कह सकता, ना अच्छा सुन सकता, और उसे रुचि नहीं मिलेगी। वो ले दे करके ढूंढेगा कि इसमें कमी कहां है, कमी कहां है, कमी कहां है, उसका फोकस ये होगा, और वो ले दे करके कहीं ना कहीं से वो कमी ढूंढ ही लेगा। जैसे ही वो ढूंढेगा तब उसको लगेगा वाह, तत्वज्ञान हो गया, मुमुक्षु बन गया मैं, मेरे जीवन की कृतकृत्यता हो गई, मुझे तो बड़ी ऐसी चीज मिल गई कि बस कुछ कह नहीं सकते। फिर उसका बखान करेगा, जहां जहां जाएगा उसका बखान करेगा। अच्छा तुम उसके पैर पूछते हो, तुम उससे अच्छा मानते? अरे वो तो ये है, वो तो वो है, तेरी कौन सी भैंस चुरा ली भाई उसने, तेरी जमीन दाब ली क्या? नहीं करी ना। तो ये क्या, ये सूरपना है। कृष्ण जी को अर्घ दिया जा रहा था सभा पर्व के अंतर्गत, कि कोई प्रमुख हो उस प्रमुख को अर्घ दिया जाए, यानी प्रथम पूज्य गणपति बनाया जाए। तो किसको चुन लिया गया? सर्वसम्मति से कृष्ण जी को चुन लिया, लेकिन पेट में दर्द किसके हुआ? शिशुपाल के। उसके पेट में दर्द हुआ, भारी दर्द हुआ। उस दर्द का परिणाम क्या निकला? शिशुपाल का शांति पाठ। यानी उसकी वहां लज्जा भी हुई, अपमान भी हुआ, और उसका शांति पाठ भी हुआ। क्या समझ में आया? यह समझ में आया कि जो लोग आपसे बेहतर काम कर रहे हैं,
समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र में, सनातन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, परंपराओं के क्षेत्र में, जो जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और वो काम करने का आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप क्या करें? शुभ प्रेरणाएं करें, शुभकामनाएं करें, शुभ प्रार्थनाएं करें। यदि दोष देखोगे तो लाइन अटैच हो जाओगे, यानी आपके अंदर एक खराब संस्कार वहां पैदा हो जाएगा। वो क्या करेगा? केकड़े की वृत्ति वाला बन जाएगा, वो दूसरे के उन्नति प्रगति को देख करके कुड़ने लग जाएगा, चढ़ने लग जाएगा। इसलिए क्या करें कि कृपा करें वहां पर, और उस अच्छे व्यक्ति में क्या ना देखें? दोष ना देखें। वो जितना कर रहा है ना, उसके लिए धन्यवाद दो। जितना कर पा रहा है, उसके पास उतने संस्कार थे, उतनी बुद्धि थी, उतनी योग्यता थी, उतनी शिक्षा थी, उतना तन था, उतना मन था, उतना धन था, वो उतने में कर रहा है, तो कृपया करके हम उसके क्या ना देखें? दोष। दोष देखने से कुछ विशेष नहीं होगा। अब दूसरी तरफ दोष कहां देखने हैं? अभी क्या बताया? दोष कहां नहीं देखने, और अब ये बताऊंगा कि दोष कहां देखने हैं। तो दोष देखोगे तो तुम्हें लाभ दिखाई देगा। बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, मांस, मछली, अंडा, वैश्यावृत्ति, इनमें दोष देखो। दोष देखोगे तो इनसे दूर रहोगे और तुम्हारा भला हो जाएगा। और यदि इसमें प्रीति करोगे तो टिकट पक्का है नरक का। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के पंथ है। इतिहास किस लिए है? इतिहास व्याख्यान के लिए नहीं है, इतिहास शिक्षा के लिए। धृतराष्ट्र किसके दोष देखता था? भीम के। किसके दोष नहीं देखता था? दुर्योधन के। दोषी कौन था? दुर्योधन। निर्दोष कौन था? भीम। क्रिया कौन करता था? दुर्योधन। प्रतिक्रिया कौन करता था? भीम। पेट में जलन किस बात की? प्रतिक्रिया की। ये जो भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो वामपंथी हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये सेकुलर हैं, ये तथाकथित जो लोग हैं, ये क्रिया की प्रतिक्रिया से परेशान है। जो प्रतिक्रिया होगी उससे परेशान है। अब मुगलों ने गार्डन बनाए, मुगलों ने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी, मुगलों ने इमारतें बना दी, ये क्रिया ठीक थी या नहीं थी? नहीं थी। अब उसको ठीक किया, देश भारतीयों का है, हिंदुओं का है, सनातनियों का है, तो वो अपनी शुद्ध विरासत में से लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका जो विकृत रूप था, जो गुलामी, जो दासता, जो क्रूरता के चिन्ह थे, उनको मिटा करके थोड़ा अच्छे वे में आने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो क्रिया हुई थी उसकी प्रतिक्रिया है। मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, अब मस्जिद को साइड करके मंदिर दोबारा स्थापित किया जा रहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया। लेकिन प्रतिक्रिया पर क्या हो रहा है? पेट में दर्द। ये क्यों किया जा रहा है? ये कौन है? ये धृतराष्ट्र है। अपने बेटे का दोष नहीं देखना और पड़ोसी के बेटे के दोष दम से गिनाना, उसकी छाती पर आक्रमण कर देना, तो ये धृतराष्ट्र वाला स्वभाव ठीक नहीं है। ये स्वभाव ऐसा है कि आज कोई व्यक्ति इस नाम को रखना नहीं चाहता, इतना तो समझ जाओ। ये स्वभाव को समझना है। अपना बेटा है, अपनी बेटी है, अपनी माता है, अपने पिता है, अपनी पत्नी है, अपना पति है, अपना भाई है, अपनी भाभी है, अपने सब ठीक है, दूध के दुले हैं। अपना कोई गलती करे यानी 100 खून माफ, और पड़ोसी करे तो छोटी सी गलती पर फांसी की सजा होनी चाहिए। खुद का बेटा थोड़ी बहुत चोरी कर दे तो कोई बात नहीं, बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। और पड़ोसी के बच्चे ने चोरी कर ली तो अच्छा तुमने यही सिखाया है, तुम्हारा बेटा तो चोर है। समझ में आ रहा है? ये धृतराष्ट्र है। यहां तुरंत बोलना चाहिए धृतराष्ट्र की जय। कौन जी गया उनमें? धृतराष्ट्र। तो कहां दोष देखने थे? यहां दोष देखना था, अपने में दोष देखना था। अपने में दोष देखते, अपने आसपास की चीजों में दोष देखते तो उद्धार हो जाता, भला हो जाता। लेकिन वहां पर क्या किया?
गांधी जी के तीन बंदर बन गए। यानी अपनों का दोष ना देखना, अपनों का दोष ना सुनना, ना अपने के दोषों को कहना। अपनों का नहीं कहेंगे पर दूसरे का कहेंगे, तो इससे लाभ हुआ या हानि? हानि। इसलिए यहां दोष देखो, हम क्या करते हैं, आंखों से बाहर देखते हैं। बाहर देखते हैं तो बाहर बस ये देखा जाएगा कि किस में दोष है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। और परमात्मा से प्रार्थना करो कि यन्मे छिद्रम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समक्षिन्ताम्। परमात्मा से कहते फिरो कि भगवान हमारे दोष, हमारी त्रुटियां, हमारी छिद्रता, हमारी कमियां दूर कर दो। परमात्मा ने ठेका ले रखा है, परमात्मा ने ठेका नहीं लिया। तुम करो, फिर बाद में भगवान सोचेंगे, अब विचार करेंगे। केवल प्रार्थना से काम नहीं चले, करो। तो प्रार्थना करने वाले बतेरे आते हैं परमात्मा के दरबार में, एक से एक लोग आते हैं, अनगिनत प्रार्थनाएं करने वाले आते हैं। तो क्या सबकी प्रार्थनाएं परमात्मा पूरी कर देगा? नहीं करेगा। प्रार्थनाएं अच्छी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ होना चाहिए, तब विचार करेंगे। तब विचार करेंगे, तुम्हारा कर्जा नहीं खाया, तब विचार करेंगे। क्योंकि क्यों कह रहा हूं, ना आत्मा प्रवचने ने लभ्यो ना मे ध्यान बहुना सुरते। वहां पर यमाचार्य कहते हैं कि तुम कितने ही करते रहो, वो तो चुनेगा, वो चुनेगा, वो जिसको चुनेगा वो प्राप्त करेगा, बाकी तुम करते रहो। यानी तुम विचार कर लो, तुम्हारा कर्जा नहीं खाया भगवान ने कि तुम करोगे और तुम्हें देगा ही। थोड़ा शांति रखो, तुम तो आज कर रहे हो, तुम्हारा पिछला बहुत बकाया है, तुम्हारा पिछला बहुत बकाया। तुम चार दिन से भले बने फिर रहे हो, पिछला बहुत बकाया है। तो वहां मोक्ष के विषय में, ईश्वर जो साक्षात्कार का विषय, वहां पर यही कहता है कि मैं चुनूंगा, तुम पहले अपनी तैयारी करो। तुम आकर के ये छाती नहीं पटकोगे कि नहीं भगवान मेरी सुनता के नहीं, सुनता नहीं भगवान, ये बोले पुरानी फाइल उठाऊं क्या? चार दिन से पुण्य करने लग गया, चार दिन से अच्छे काम करने लग गया तो छाती पीट रहा है, और इतने जन्म जन्मांतर से जो कोभांड किया वो फाइल उठाऊं क्या? बोले नहीं जी, वो फाइल मत उठाओ। तो शांत रहे, हम थोड़ा देखेंगे, न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। देखो समझो, ये है आप जो पूछना चाह रहे हैं वो संभवतः ऐसा ही है। तो यहां पर देखो छिद्र कहां देखने हैं। निर्बल जो है वो बलवान में दोष देखेगा, निर्धन धनवान में दोष देखेगा, कंजूस दानी में दोष देखेगा, मूर्ख विद्वान में दोष देखेगा। ये नियम है, जो मूर्ख होगा उसे विद्वान नहीं पचेगा, क्योंकि वो ये मानेगा कि मैं ज्यादा विद्वान हूं, ये क्या विद्वान है, और वो सब जगह उसकी नीची करता फिरेगा। वस्तुतः वो कौन है? शास्त्र की दृष्टि में मूर्ख है। जो विद्वान से द्वेष कर रहा है उसको विद्वान माना जा सकता है क्या? जो विद्वान में दोष देख रहा है उसको विद्वान नहीं माना जा सकता, उसे क्या माना जाएगा? मूर्ख। तो मूर्ख का किससे दोष होगा? विद्वान से होगा। दरिद्र का किससे होगा? धनवान से होगा। कंजूस का किससे होगा? धनी से होगा। द्वेष होगा ही और वहां दोष देखे जाएंगे। तो इस अगर कंजूस व्यक्ति दानी के दोष देखे, दान के भाव में द्वेष करे, तो इससे उसका लाभ है या हानि है? हानि। अब दूसरा, एक दानी व्यक्ति है और धनी में दोष देखे, उससे द्वेष करे, तो वहां लाभ है या हानि है? नहीं आया पकड़ में? एक कंजूस व्यक्ति है, धन से संपन्न है, लेकिन उसके पेट में दर्द है कि ये लोग दानी क्यों है। दूसरा व्यक्ति दानी है, अपने धन का दशांश दान करता है, तो उसके पेट में दर्द होगा ये दान क्यों करता है, तो उसे द्वेष होगा उससे, दानी से। लेकिन जब दानी होंगे और दानी ये देखेंगे कि मुझसे भी बड़े बड़े धनवान हैं, लेकिन ये कुंडली मार करके बैठे हैं, तो वहां उनका जो द्वेष होगा, दोष होगा, वो अच्छा या बुरा है? अच्छा है। इसलिए अच्छा है, उनको लगेगा कि देखो जैसे हम इनको बुरा मानते हैं, और अगर हम इनसे सीख गए तो हम भी बुरे बन जाएंगे। दोष अच्छे हैं। अगर ये देखा कि
दोष नहीं देखा तो मतलब क्या अर्थ निकलेगा कि वो काम अच्छा कर रहे हैं। पैसा इकट्ठा करो, कुंडली मार के बैठ जाओ और धर्मार्थ उसका प्रयोग मत करो, पर ये अच्छी मान, ये बात अच्छी मान ली जाएगी ना। तो इसलिए दोष देखो ना भाई, धन का सदुपयोग करो। धन की तीन गति, दान भोग नाश, ये तीसरी गति वाले हैं, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। दृष्टि समझो कि यहां पर हमें दोष देखना है ताकि हम सुधर जाएं, और वहां पर दोष देखने के लिए मना किया, नहीं तो बिगड़ जाओगे। तो बहुत बारीकी का काम है। तीसरी चीज, आप जैसा जैसा देखोगे वैसा बन जाओगे। आप यदि व्यक्ति को टारगेट करोगे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप कब वैसे हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। ये ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो तो ऐसा है। अब आप, आपकी ये वृत्ति बन जाएगी कहने की, दोष दर्शन की वृत्ति बन जाएगी, दोषों को कहने की वृत्ति बन जाएगी। आप खुद उसी भंवर में कब फंसे आओगे पता नहीं चलेगा। आप न जाने कितने दोषों का बोझ अपने सिर पर लेकर के बैठ जाओगे, पता नहीं चलेगा। और परिणाम क्या निकलेगा, आपको फिर अलग थलग कर दिया जाएगा। क्या कह करके, इस व्यक्ति का काम है दोष निकालना, इसलिए ये दुष्ट है। तो शास्त्र में दोष दर्शन करने वाले को दुष्ट कहा है, और दुष्ट के साथ क्या कहा है कि दुष्ट संग ना दे विधाता। विधाता हमें दुष्ट की संगति ना दे, तो दुष्ट को वहां पृथक कर दिया जाएगा। तो यदि आप किसी में दोष देखते हैं और दोष देख देख करके कुड़ते हैं, और उसके दोषों पर ही आपका पूरा फोकस है, उसके दोषों को गिनाते रहते हैं, रटते रहते हैं, हर किसी को बताते रहते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो आप क्या होगा, आप एक्सपोज हो जाओगे। किस मामले में, कि इस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है कि ये हर व्यक्ति में बुराई देखता है, ये व्यक्ति दुष्ट है, इससे दूर रहना। यदि केवल गूढ़ और गुप्त बातें पता करना है तो थोड़ा उसके पास रहो, वो सबकी चुगली करेगा, आपको पता चल जाएगा, बाकी वो व्यक्ति अपने लायक नहीं है। यानी वो दोस्त क्या कर देंगे, उसे दुष्ट बना देंगे। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, निंदक निये रे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिन निर्मल करे सुभाए। जो बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति होगा, जो लाभ लेना जानेगा, वो क्या करेगा, उसको पास में रखेगा, तू भाई दोस्त बताता जा, हम अपना सुधार करते जाएंगे, हम अपना सुधार करते जाएंगे। यानी सावन क्या करेगा, सावन क्या करेगा, शरीर की शुद्धि करेगा, और खुद किस में बदल जाएगा, गंदगी में। ध्यान देना, साबुन का झाग है ना, उसके जो अंग है वो शरीर पे लगेंगे और शरीर के दोषों को दूर कर देंगे, लेकिन साबुन किस में मिल गया, मैल के साथ, गंदगी के साथ मिल गया। तो दोष देखने वाला दुष्ट हो जाएगा, वो गंदगी से ओतप्रोत हो जाएगा, कचरे का ढेर हो जाएगा। तो ये दोष दर्शन बड़ी विचित्र चीज है, इसको थोड़ा समझें, जाने कि कहां पर दोष देखने और कहां पर दोष नहीं देखने, कहां पर दोष देखने से लाभ है और कहां पर दोष देखने से हानि है। तो आपसे यही निवेदन है कि जितने लोग अच्छा काम करते हैं, आपके बड़े हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी हैं, यदि वो अच्छे हैं, उनके काम अच्छे हैं, तो अच्छे पर फोकस करो। अच्छे पर फोकस करोगे तो आपके अंदर शुभ संस्कार बनेगा, आप हंस बनोगे। अच्छाई देखने का प्रयास करेंगे तो क्या बनेंगे, हंस। और अच्छों में बुराई देखने का प्रयास करेंगे तो क्या बनेंगे, सुअर। तो डिसाइड कर ले, हमारी सनातनीय परंपरा है, इस सनातन परंपरा में यह शिक्षा बता दी जाती है कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मनोविज्ञान सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मा विद विषा वहे, कि हम परस्पर द्वेष ना करें। कहां पर कहा जाता है, सहना भवतु के अंतिम पद में। अभी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी सनातकों के जो दीक्षांत समारोह हो रहा था, उसमें उन्होंने प्रतिभाव कहे और उन्होंने कहा कि विद्या विनय को प्रदान करवाती है। विद्या प्राप्त करके व्यक्ति को विनम्र बनना चाहिए। जिन गुरुजनों ने, आचार्यों ने आपको पढ़ाया है, उनके साथ टक्कर नहीं लेनी चाहिए। ये क्या टक्कर नहीं लेनी चाहिए, मां विदिशा वहे, पढ़ लिए, सीख लिए, जान लिए, समझ लिए, कंधे के बराबर हो गए,
आप भी मंच पर आना सीख गए, आप भी अच्छा बोलना सीख गए, मंच माला माइक भी आपको मिलना आरंभ हो गया, आपका भी दुकान चल पड़ी। तो ये नहीं कहा जाता कि अब तुम टक्कर लो, तुम दोष देखो, तुम द्वेष करो। तो इसलिए पहले से ये साइकोलॉजी के मास्टर रहे हैं ऋषि लोग, उन्होंने कहा मां विदुषा भय, यदि तुम उस शिखर तक पहुंच भी जाओ तो द्वेष मत करना। पिता और गुरु ये हमेशा हारना चाहते हैं, किससे? पिता अपने पुत्र से, गुरु अपने शिष्य से हारना चाहता है, क्योंकि हारने में उसकी जीत है। बाकी दुनिया में वो किसी से हारना नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया में किसी से हारना उनके लिए मृत्यु के समान है। लेकिन यदि पिता से पुत्र प्रोग्रेस कर जाए तो पिता को इससे सुकून की बात कुछ हो नहीं सकती, और गुरु से शिष्य प्रोग्रेस कर जाए तो गुरु की शिक्षा धन्य हो गई, गुरु की तपस्या धन्य हो गई। तो गुरु तो चाहता ही है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे बढ़े, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा, ये तो गुरु की भावना ही है। गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे बढ़े, लेकिन शिष्य मां विदुषा वह, ऐसा नहीं कि तुम थोड़ा जान लिए, समझ लिए, चार किताबें अधिक पढ़ ली, आपको बोलना अच्छा आ गया और आप गुरु से द्वेष करने लग जाओ, ये ना करें। इसलिए पहले ही कह दिया गया कि बेटा जो जो हमारी अच्छी चीजें हैं उन अच्छी अच्छी चीजों को फोकस करना, जो हमारे बुरे गुण हैं, बुरे कर्म हैं, बुरे स्वभाव हैं उनको अवॉइड करना, हमसे अच्छी बातें सीखना। महर्षि दयानंद जी ने भी यही बात लिखी 17 प्रकाश में उपनिषद के आधार पर। उपनिषद में प्रसंग आता है कि जब विद्यार्थी समावर्तन संस्कार होता है, वो विद्या प्राप्त करके अब घर को वापस जाता है, तो उसे शिक्षा दी जाती है कि जो जो हमारे अच्छे उत्तम गुण कर्म स्वभाव थे उन्हीं उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, उन्हीं को याद रखना, उन्हीं को आत्मसात करना, और यदि तुमने कुछ दोष कमियां त्रुटियां देख ली हो तो कृपा करके उनको धारण मत करना, उनको मत देखना। तो वहां पर क्या बात बताई कि हंस बनना बेटा, सुअर मत बनना, अच्छाइयां देखना। अगर बुराई देखोगे तो अच्छाई पर पानी फिर जाएगा। हम चाहते हैं कि तुम हंस बनो, हम ये नहीं चाहते कि तुम सुअर बनो। इसलिए सुअरपने से हमें बाहर उठना चाहिए, हमें हंस बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, बाकी मनुष्य तो इतना महान है कि वो भगवान पर भी दोषारोपण करने में पीछे नहीं हटता। अरे ये दुनिया राजा रावण राम की नहीं हुई तो तुम्हारी हमारी क्या होगी, ये दुनिया तो दयानंद की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी, दुनिया शंकराचार्य की नहीं हुई तुम्हारी क्या होगी, दुनिया चाणक्य की ना हुई तुम्हारी क्या होगी, दुनिया कृष्ण की ना हुई तुम्हारी क्या होगी। यदि कोई व्यक्ति संसार का परित्याग करके, यानी सांसारिक सुख भोगों का परित्याग करके जंगल में चला जाए, तब भी उसके शत्रु मित्र उदासीन ये तीन भाव तो मिलेंगे। उसके कोई ना कोई शत्रु होंगे, कोई ना कोई उसके मित्र होंगे और कोई ना कोई उदासीन होंगे। ये मनुष्यों का स्वभाव है कि मनुष्य करेगा ही, लेकिन ये स्वभाव क्रूरता में ना बदल जाए, ये स्वभाव दुष्टता में ना बदल जाए, ये स्वभाव हमें सुअर ना बना दे। इसलिए बचें, हम श्रेष्ठ को धारण करें और अश्रेष्ठ का त्याग करें, उसके लिए प्रार्थना करें और पुरुषार्थ करें। तो यदि हम दूसरों के दोष दर्शन नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थना सफल है, यन्मे छिद्रम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समक्षन्ताम। ठीक है, तो कृपा करके आप लोग भी आपस में किसी के दोष ना देखें और किसी से द्वेष ना करें। दोष देखेंगे तो द्वेष होगा, दोष और द्वेष एक दूसरे के पूरक हैं, समवाय संबंध है। द्वेष देखोगे, द्वेष करोगे तो दोष होगा, दोष देखोगे तो द्वेष होगा, दोनों एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, चोर चोर मौसियाते भाई हैं। इसलिए ना तो द्वेष करो और ना दोष देखो, अच्छा करो, अच्छा देखो, अच्छा बनने का प्रयास करें। इन्हीं विचारों के साथ कक्षा को विराम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं
शांति ही शांति रे व शांति ही सामा शांति रे धी ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः सबको।